गाइस बैटमैन की कई सारी स्टोरीज हैं, पर सब में रॉबिन अलग है। रॉबिन डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहा। कभी पब्लिक ने उसे बदला, कभी वो खुद बदल गया। रॉबिन बेशक से बैटमैन का साइडकिक रहा हो, पर ये कैरेक्टर हमारी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Wow, that looked like it really hurt. ईयर 2015, 75th एनिवर्सरी थी रॉबिन के कैरेक्टर की, जिसे डीसी ने सेलिब्रेट किया वी आर रॉबिन कॉमिक रिलीज करके। अगर आप कॉमिक्स की दुनिया में नए हैं और आप रॉबिन को टीवी या मूवीज से ही जानते हैं, तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि डीसी कॉमिक्स में मल्टीपल रॉबिन हैं और वो सारे एक साथ एग्जिस्ट भी करते हैं अलग अलग नाम से। तो गाइज, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको डिक ग्रेसन से लेकर डेमियन वेन तक सारे रॉबिन के बारे में बताऊंगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिक ग्रेसन, ये रॉबिन ओरिजिनल और सबसे फेमस रॉबिन है। डिक ग्रेसन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1940 के डिटेक्टिव कॉमिक इशू 38 में, ताकि बैटमैन के कॉमिक्स को ऐसा दिखाया जाए कि छोटे बच्चे भी उसे पढ़ पाए, और ऐसा ही हुआ। रॉबिन के इंट्रोडक्शन से बैटमैन की कॉमिक की सेल डबल हो गई। डिक ग्रेसन एक एक्रोबैट था जो कि अपने माता पिता के साथ हेली सर्कस में परफॉर्म करता था। इन तीनों को जाना जाता था द फ्लाइंग ग्रेसन्स के नाम से। पर दुख की बात यह है कि उसके दोनों माता पिता मारे गए एक परफॉर्मेंस के दौरान, जब बॉस जूको के नाम से एक गैंगस्टर ने उनका सेटअप बिगाड़ दिया, क्योंकि सर्कस के मालिक ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। ब्रूस वेन वही ऑडियंस में बैठा था, उसको डिक ग्रेसन को देखकर हमदर्दी हुई और उसने उसे अपने अंडर रख लिया। डिक ग्रेसन पहले से ही एक एक्रोबैट था, पर बैटमैन से मिली ट्रेनिंग के बाद वो बना पहला रॉबिन द बॉय वंडर। समय के साथ साथ बैटमैन और रॉबिन की टीम मजबूत होती गई। डिक ग्रेसन 40 साल तक बैटमैन का साइडकिक बना रहा, पर जैसे जैसे कॉमिक एक्सपैंड हुआ, रॉबिन भी आगे बढ़ा और उसने अपनी एक अलग टीम बनाई टीन टाइटंस के नाम से। पर सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। जब कॉमिक्स थोड़े डार्क और सोफिस्टिकेटेड हुए, रॉबिन का कैरेक्टर कम यूज में आने लगा और डिक ग्रेसन की उम्र बढ़ाई गई, और इवेंचुअली 1984 में डिक ग्रेसन ने रॉबिन की पोस्ट छोड़ दी और अकेले काम करना शुरू किया नाइटविंग के नाम से। अगला रॉबिन बना जेसन टॉड। जेसन टॉड सेकंड रॉबिन था, और 1983 में उसके इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद जो भी उसके साथ हुआ, उसके बाद वो बना सबसे इंटरेस्टिंग रॉबिन। जब बैटमैन इशू 357 में जेसन को इंट्रोड्यूस कराया गया, तब हमें पता चला कि वो डिक ग्रेसन से बिल्कुल अलग नहीं है। डिक की ही तरह जेसन भी सर्कस एक्रोबैट्स का बेटा था, जिनकी एक हादसे में डेथ हो गई थी। जेसन का नेचर अच्छा था और वो बहुत ओबीडियंट था, पर 1985 से 1986 के क्राइसिस ऑफ इनफिनाइट अर्थ में सब बदल गया, और बैटमैन इशू 408 में हमें एक अलग कहानी देखने को मिली। इस कहानी में जेसन एक नॉर्मल गली का लड़का था, जिसकी मुलाकात बैटमैन से तब हुई जब वो बैटमोबाइल का टायर चुरा रहा था। बताओ, टायर चुरा रहा था, वो भी बैटमोबाइल से। पर 1988 में बहुत अलग चीज हुई, जब कई सारे लोगों ने जेसन टॉड के रॉबिन की डेथ में फेवर किया, और ऐसा ही हुआ। और डेथ इन द फैमिली स्टोरी लाइन में जोकर ने जेसन टॉड को किडनैप कर लिया और एक क्रोबार से उस पर बार बार अटैक करके उसे जान से मार दिया। पर नजारा बदला 2005 में, जब जेसन टॉड अचानक से वापस आया एंटी हीरो रेड हुड के नाम से, और इसी इवेंट के साथ रॉबिन की पोस्ट वापस खाली हो गई। टिम ड्रेक। टिम ड्रेक थर्ड रॉबिन था ऑफिशियल डीसी कंटिन्यूटी में, जिसने जेसन टॉड की जगह ली। हालांकि ये बदलाव तुरंत नहीं हुआ। टिम ने डेब्यू किया बैटमैन इशू 436 के फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चला कि वो ऑडियंस में बैठा हुआ था जब द फ्लाइंग ग्रेसन्स का एक्ट फेल हुआ। टिम ने ब्रूस वेन को देखा डिक ग्रेसन को हेल्प करते हुए, और उसने पता लगाया कि यही दोनों बैटमैन और रॉबिन हैं। पर आगे चल के जब उसे पता चला कि बैटमैन जेसन टॉड की मौत से बहुत टूट चुका है, टिम खुद बैटमैन के पास गया और उसने डार्क नाइट से रिक्वेस्ट की कि उसे अपना रॉबिन बना ले, और ऐसा ही हुआ। जब टिम की माँ को किसी ने जान से मार दिया और उसके पिता अपाहिज हो गए, एक अपडेटेड कॉस्ट्यूम और पिछले दो रॉबिन के डिवोशन और डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए 1993 में टिम ड्रेक बना रॉबिन। टिम पहला रॉबिन था जिसे अपनी खुद की कॉमिक सीरीज भी मिली। पर कुछ सालों बाद नजारा बदला। टिम अपनी रॉबिन की ड्यूटी से रिटायर हुआ और अकेले काम करने लगा रेड रॉबिन के नाम से, जिसका मतलब अब बैटमैन का अपना बेटा आने वाला था। डेमियन वेन। डेमियन वेन सारे रॉबिन्स में सबसे यूनिक है। डेमियन टिम के रेड रॉबिन के बाद रॉबिन बना। इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया गया रेजल गुल की स्टोरी लाइन से, और डेमियन वेन को इंट्रोड्यूस किया गया बैटमैन इशू 655 में, जहां हमें पता चला कि डेमियन ब्रूस का बायोलॉजिकल सन है। रेजल गुल की बेटी तालिया अल गुल डेमियन की माँ है, जिसे हमने देखा था क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेस में। डेमियन को बचपन से ही एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी गई, पर ब्रूस को अपने बेटे के बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक तालिया खुद उसके पास आई और उसने डेमियन की कस्टडी उसे सौंपी। डेमियन ब्रूस के लिए एक ऐसा बच्चा था जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि वो बहुत वायलेंट नेचर का था। पर डेमियन भी रॉबिन बनना चाहता था और ऐसा ही हुआ। पर तब जब ब्रूस वेन की डेथ हो गई और डिक ग्रेसन बना नया बैटमैन। हालांकि बाद में ब्रूस वेन जिंदा होके वापस भी आ गया। अब जानते ही होंगे कॉमिक में कोई मरने को राजी नहीं होता। डेमियन वेन नेचर से बहुत ही ज्यादा वायलेंट था, पर अगर उसे कंट्रोल करना कोई जानता था तो वो था डिक ग्रेसन। डेमियन सारे रॉबिन्स में सबसे ज्यादा वोलेटाइल और एक्साइटिंग रॉबिन साबित हुआ। वैसे तो कॉमिक्स और मूवीज में कई सारे सुपर हीरोज के कई साइडकिक रहे, पर रॉबिन एक साइडकिक से बढ़कर है। सिवाय डेमियन वेन के, हर रॉबिन ने अपने माता पिता को किसी न किसी हादसे में खो दिया, पर बैटमैन ने इन सबको अपने बच्चों की तरह अपने साथ रखा और ट्रेनिंग दी। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बैटमैन नहीं चाहता था कि इनमें से कोई भी एक ऐसा बच्चा बने जिसने अपने माता पिता को खोने के साथ साथ अपना बचपन भी खो दिया। अभी फिलहाल DCU में हमें इतना तो दिख ही चुका है कि जेसन टॉड की मौत हो चुकी है और बैटमैन के पास फिलहाल कोई रॉबिन नहीं है, जिसका मतलब डिक ग्रेसन रॉबिन बनके अपनी पोस्ट छोड़ चुका है और अब टिम ड्रेक रॉबिन बनेगा। पर फिलहाल रूमर सुनने में ये आ रहे हैं कि बेन एफ्लेक खुद बैटमैन का रोल छोड़ने वाले हैं, जिसका मतलब DCU की कंटिन्यूटी मुसीबत में आ सकती है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। तो गाइज ये थी पूरी वीडियो रॉबिन के बारे में। अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता चला है रॉबिन के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि इन सारे रॉबिन्स में से आपका फेवरेट रॉबिन कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और Google+ से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।